नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। देश में इन दिनों राजनेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं बीते रविवार को ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नाभा दास की एएसआई ने गोली मार दी थी। इसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक शख्स की ओर से जान से मारने की धमकी मिली है। वहीं पुलिस ने सीएम केजरीवाल को धमकी देने वाले आरोपी का पता लगाया है, लेकिन उसको पकड़ कर छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी का दिमाग ठीक नहीं है और उसका इलाज चल रहा है। दरअसल देर रात दिल्ली पुलिस की पीसीआर में आई फोन कॉल से पूरा पुलिस प्रशासन आ गया था। फोन करने वाले शख्स ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आनन फानन में पुलिस ने आरोपी को खोज निकाला। इस घटना के बारे में बात करते हुए दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम से धमकी भरा फोन आया था। सोमवार को आधी रात के बाद 12:05 पर दिल्ली पुलिस की पीसीआर में एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने सीएम अरविंद केजरीवाल की हत्या करने की बात कही थी। इसके तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और फोन करने वाले को लोकेशन ट्रेस करके आरोपी तक पहुंच गई। वहीं पुलिस को जब आरोपी के पास गई तो वह मानसिक रूप से विकसित निकला। 38 वर्षीय आरोपी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने शख्स की मानसिक को देखते हुए गिरफ्तारी नहीं की है। जयप्रकाश नाम का यह शख्स दिल्ली के एक अस्पताल में काम करता है। बताया जा रहा है कि कुछ समय से एक मानसिक रूप से बीमारी है। गोपालबाग स्थित एक क्लिनिकल में उसका इलाज चल रहा है।